हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर ममता ट्रेनिंग। पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको इंपोर्ट प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे, इसमें इस ट्यूटोरियल में भी इंपोर्ट प्रक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। इंपोर्ट फोल्डर्स, ऐसा नहीं कि आप केवल मीडिया फाइल्स को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो यदि मीडिया फाइल किसी फोल्डर्स में अवेलेबल है तो आप पूरा का पूरा फोल्डर भी एसेट बिन में ला सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई खास प्रक्रिया नहीं है। आप उसके लिए जब हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो इसके लिए हम क्या करना होता है, ये रूट जो है यहाँ पर राइट क्लिक करके जब ओपन फोल्डर करेंगे तो ओपन फोल्डर में आपका पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक, ओपन फोल्डर, चूज द फोल्डर वेयर यू इंपोर्ट, ओपन द फोल्डर, चूज द फोल्डर वेयर योर यू वांट टू इंपोर्ट द फोल्डर, गो एकेडमी, चलिए मोशन पर क्लिक करें। तो अब आप देखिए ये पूरा का पूरा फोल्डर आपका आ गया, इसमें ये दो फाइल्स अवेलेबल हैं। इस तरीके से आप रूट में वो फोल्डर ऐड कर सकते हैं जो फोल्डर आपको इंपोर्ट करना हो, जिससे क्या होता है उस फोल्डर के अंदर जो भी अवेलेबल चीजें हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।